क्योंकि मैं यदि उसका ना फ्रंट व्यू लूंगा ना बेटा तो आपको दिखेगा नहीं चीजें ठीक है इसलिए मैं भी साइड व्यू ले रहा हूं मान लो कि बात आपके पास एक गियर है ये फर्स्ट गियर है जिसका एक्सिस है ये वाला ये कनेक्टेड है अनदर गियर से जो कि बेटा कंपाउंड गियर है ठीक है मतलब एक ही साफ्ट में आपके पास दो गियर होंगे क्लियर है ठीक है ये फर्स्ट गियर है ये सेकंड गियर है इसकी मैं बात करूं तो ये थर्ड गियर है ठीक है यहां तक क्लियर है थर्ड गियर के साथ बेटा ना एक और गियर कनेक्ट होता है जो कि होता है फोर्थ गियर और वो कहां पर कनेक्ट होगा यहां पर समझिएगा इस बात को इसकी मैं एक्सिस की बात करूं फर्स्ट गियर तो ये कुछ इस टाइप का है ठीक है बेटा यहां तक की बात फर्स्ट गियर की मैं बात करूं तो इसका जो नंबर ऑफ टीथ है वो टी वन है मैंने माना ये ओमेगा वन से रोटेट कर रहा है साथ ही साथ मैंने ये भी माना कि इसका मॉड्यूल एम वन है टू की मैं बात करूं टी टू ओमेगा टू एम टू थ्री की मैं बात करूं टी थ्री ओमेगा थ्री एम थ्री फोर की मैं बात करूं टी फोर ओमेगा फोर एम फोर थोड़ा सा गौर कीजिएगा बेटा ये तो समझ आ गया कि, कि टू और थ्री आपके पास कंपाउंड गेयर है फर्स्ट और फोर्थ को मैं यदि कॉन्सेंट्रेट करके देखूं तो मुझे एक चीज समझ आ रहा है कि भाई मान लो इसके एक्सिस की बात करूं तो दोनों का एक्सिस दोनों का एक्सिस एक ही है ठीक है दोनों का एक्सिस एक ही है और इसीलिए इसको बोलते हैं अपन क्या रिवर्टेड गियर ट्रेन पढ़िएगा इफ द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट विल्स इसमें फर्स्ट कौन सा है? ये है ड्राइवर गियर लास्ट कौन सा है फोर्थ वाला ड्रीवन गियर मेन ड्रीवन क्लियर है बेटा फर्स्ट एंड लास्ट व्हील्स ऑफ अ कंपाउंड गियर इट रिवर्टेड गियर ट्रेन ठीक है दोनों कॉन्साइट कर रहे हैं इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं रिवर्टेड गियर ट्रेन बोल रहा हूं ऐसे गियर ट्रेन को अपन क्या बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन बोलते हैं सच एन अरेजमेंट इज यूज इन क्लॉक एंड सिंपल लेट्स वेयर बैक गियर इज यूज्ड टू गिव अ स्लो स्पीड ऑफ चक क्लॉक में यूज करते हैं लेथ में यूज करते हैं ठीक है बेटा ये रहा आपका साइड व्यू ये साइड व्यू है ना थोड़ा सा और अच्छे से फील लेते हैं इसको ये साइड व्यू है एक काम करते हैं 3D में देखने की कोशिश करते हैं बनाने कोशिश करेंगे मान लो कि बात ये आपके फर्स्ट गियर है जो किसके साथ कनेक्टेड है सेकंड गियर के साथ ठीक है बेटा सेकंड गियर के साथ ये कनेक्टेड है इसको अच्छे से बना लेता हूं ठीक है मैं इसके एक्सिस की बात करूं ये है इसके एक्सिस की बात करूं ये है ये साफ ये फर्स्ट गियर है ये सेकंड गियर है सेकेंड और थर्ड आपके पास कंपाउंड है मतलब ये एक ही साफ्ट में होंगे मैं बात करूं ये एक ही साफ्ट है जहां पर मैं यहां पर बना लेता हूं ये छोटा पड़ गया जगह मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास कौन सा गियर है थर्ड गियर है ये सेकेंड ये थर्ड है अब ध्यान दीजिएगा बेटा मैं बात करूं ये फर्स्ट तो इसका एक्सिस कुछ इस टाइप का होगा और यहां पर एक गियर होगा और इसका भी एक्सिस सेम होगा किसके साथ फर्स्ट के साथ ये लास्ट गियर है अब मुझे लगता है आपको फील हो रहा होगा कि कैसा ये बना है रिवर्टेड गियर ट्रेन फर्स्ट गियर के साथ सेकंड गियर कनेक्टेड है और मैं सेकंड और थर्ड की बात करूं तो ये एक ही साफ्ट में है ये आपको दिख भी रहा होगा ये एक ही साफ्ट में थर्ड के साथ फोर्थ कनेक्टेड है या फिर मैं बोलूं लास्ट वाला गियर कनेक्टेड है ठीक है और और मजे की बात यह है कि जो फर्स्ट और फोर्थ है ना जो इसका एक्सिस है वो सेम है ठीक है सेम है इसका मतलब ये नहीं होगा कि बेटा ये एक ही साफ्ट में होंगे दोनों गियर अलग अलग साफ्ट में है लेकिन एक्सिस सेम है, क्लियर है बेटा यहां से मुझे एनालिसिस बात, बात करूं या डिस्टेंस की बात करूं तो भाई ये वाला होगा और ये कैसा होगा आपके पास फिक्स होगा ठीक है फिक्स्ड होगा सही बात है चलिए आगे बात करते हैं अब कुछ इसमें एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं एक चीज बताइए फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर आपस में मैस हो रहे हैं सही बात है मैस हो रहे हैं तो जाहिर से बात है आपके पास जो मॉड्यूल वन है एम वन इज इक्वल टू है वो एम टू होना चाहिए सही बात है थर्ड और फोर्थ मैस हो रहे हैं तो एम थ्री इज इक्वल टू एम फोर होना चाहिए तभी आपके पास वो मेटिंग गेयर होंगे तभी वो आपके पास मेटिंग गेयर होंगे चलिए आगे बात करते हैं टू और थ्री एक ही साफ्ट में मतलब ये कंपाउंड गियर है सही बात है ना टू और थ्री एक ही साफ्ट में है मतलब ये कंपाउंड गियर है तो मैं इसके एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं साथ ही साथ इसके एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा सही बात है चलिए भाई टू एंड थ्री क्या है भाई आर कंपाउंड गियर आर कंपाउंड गियर इसलिए क्या होगा ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा क्लियर है यहां तक। आगे बात करते हैं। मैं फर्स्ट गियर और सेकंड गियर को ले रहा हूं ना फर्स्ट गियर और सेकंड गियर को ले रहा हूं और मैं निकालना चाह रहा हूं ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू देखते हैं क्या आता है तो आपको पता है ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू निकालना है तो सिंपल सा कुछ नहीं होता टी टू अपॉन टी वन होता है सिमिलरली सेकेंड और थर्ड तो कंपाउंड किया है बेटा थ्री एंड फोर पे मैं जाऊंगा तो देखते हैं ओमेगा थ्री अपॉन ओमेगा फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी फोर अपॉन टी थ्री सही बात है ये चीज आपको मिल गया अब एक काम करता हूं दोनों को ना मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं मुझे मिलेगा क्या ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू ओमेगा थ्री अपॉन ओमेगा फोर इज अपॉन टी T4 फोर अपॉन ये मुझे मिलने वाला है गौर कीजिएगा अब यहां से मुझे पता है क्योंकि टू और थ्री कंपाउंड गियर है तो ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा थ्री तो ये निपट जाएंगे ये तो निपट जाएंगे बचेगा क्या ओमेगा वन अपॉन ओमेगा फोर इज इक्वल टू टी टू इंटू टी फोर अपॉन टी ये मुझे मिलने वाला है और इसी को मैं क्या बोलता हूं बेटा स्पीड रेशियो बोलता हूं स्पीड रेशियो बोलता हूं अब इसको स्पीड रेशियो इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि ये इस अरेंजमेंट में जो फर्स्ट वाला गियर है आपके पास ड्राइवर गियर है और फोर्थ वाला ड्रीवन गियर है ठीक है तो स्पीड रेशियो इज क्या हो जाएगा टी टू इन अपॉन टी वन इंटू टी थ्री ये मेरा स्पीड रेशियो मिल जाएगा क्लियर है मतलब आपको टी टू पता है टी फोर पता है टी वन पता है टी थ्री पता, पता, पता है तो स्पीड रेशियो आप आराम से निकाल निकालोगे लेकिन मजे की बात क्या है बताया बेटा आपके पास जो क्वेश्चन में ना तीन टीत दिया रहेगा लेकिन एक टीत आपको दिया नहीं समझिएगा इस बात को इसके पीछे भी रीजन है क्यों नहीं देगा क्योंकि आप निकाल सकते हो उस जो चौथा टीथ है ना जो नहीं पता है आपको उसको आप निकाल सकते हो कैसे समझिएगा बात है। मैं मातलो की बात करूं ये वाला एक्सिस और ये साफ्ट के बीच का डिस्टेंस की मैं बात करूं चाहे वो यहां पर वन और टू पर बात करूं चाहे वह थ्री फोर पर बात करूं हमेशा सेम होगा मैं मान लो कि इसमें बोल दिया कि टू और थ्री में यहां पर बना लेता हूं ये यह देखिए यहां पर यहां से साइड व्यू सबसे पता चल रहा है ये मान लो कि बात ए है और मैं इसकी बात करूं ये है है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ए इज इक्वल टू एडेस तभी तो रिवर्टेड गियर ट्रेन बना है तभी तो रिवर्टेड गियर ट्रेन बना है तो ए इज इक्वल टू एडेस में करूंगा वहां से मैं ना जो अननोन क्वांटिटी होगी अननोन जो नंबर ऑफ टीथ है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं इजिली देखिएगा एज इक्वल टू क्या हो जाएगा एडेस मैंने बोल दिया मैं बात करता हूं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का तो एकदम सिंपल है ना समझिएगा पिछ सर्कल रेडियस है सेकंड वाले का वो आर टू है और मैंने माना कि फर्स्ट वाले गियर का पिस सर्कल रेडियस आर वन है ये मैंने मान लिया थर्ड वाले का आर थ्री मैंने माना और फोर्थ वाले का मैंने माना आर फोर सही बात है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा आर वन प्लस आर टू एडेस कितना होगा आर फोर प्लस आर थ्री रख देते हैं एक ही बात करता हूं तो ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू एडेस कितना हो जाएगा बेटा आर थ्री प्लस आर फोर क्लियर है यहां तक आर वन को कैसे लिख सकता हूं डी वन अपॉन टू प्लस डी टू अपॉन टू इज़ इक्वल टू डी थ्री अपॉन टू प्लस डी फोर अपॉन टू सही है टू निपट जाएंगे बचेगा क्या डी वन प्लस डी टू इज इक्वल टू डी थ्री प्लस डी फोर यह मुझे मिल गया अब मुझे मॉड्यूल के फॉर्मूला से पता है कि एम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा कैपिटल डी अपॉन कैपिटल टी तो यहां से मैं डी इज इक्वल टू क्या लिख लूंगा एम टी फर्स्ट वाले गेयर के लिए क्या होगा बताते जाइएगा एम वन टी वन सेकेंड वाले के लिए एम टू टी टू इज इक्वल टू थर्ड वाले के लिए एम थ्री टी थ्री प्लस एम फोर टी फोर यही होने वाला है सही बात है लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जब आपके पास गियर नंबर वन और टू मेसिंग गियर्स हैं तो जाहिर से बात है इसके मॉड्यूल सेम होंगे मतलब एम वन इज इक्वल टू एम टू होगा मैंने माना एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम मान लिया यहां पर ठीक है बेटा और मैंने यह भी माना कि एम थ्री इज इक्वल टू एम फोर इज इक्वल टू एम सही बात है ना मैंने कर लिया तो ये देखिए एम वन और एम टू दोनों तो सेम होंगे जो कि एम के इक्वल है तो मैंने मिल दिया एम वन या फिर एम टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू क्या बेटा एम थ्री और एम फोर इज इक्वल टू एम है तो एम टी थ्री प्लस टी फोर एम पता होगा एमडेस पता होगा ये जो चार वैल्यू है ना बेटा टी वन टी टू टी थ्री टी फोर इनमें से तीन को आपको पता होगा चौथा निकल जाएगा इसीलिए वो एक का ना भाई एक गेयर का टीथ नहीं देता क्वेश्चन जब आप बनाओगे आपको समझ आ जाएगा क्लियर है बेटा चलिए आगे बात करते हैं ये तो ठीक बात है कि एम और एमडेस मुझे पता होगा तो मैं निकाल लूंगा आराम से मान लो की बात बेटा एम इज इक्वल टू एमडेस हो गया सपोज सपोज एम इज इक्वल टू एमडेस हो गया तो ये दोनों निपट जाएंगे बचेगा क्या बेटा टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू टी थ्री प्लस टी फोर ठीक है यहां से मुझे आराम से मिल जाएगा नंबर ऑफ टीस जो मेरा नोन नहीं है क्लियर है एकदम क्लियर है समझ आया कि रिवर्टेड गियर ट्रेन किसको बोलते हैं सिंपल सी बात है बेटा इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड गियर होता है समझिएगा ये कंपाउंड गियर है जिसमें एक ही साफ्ट में दो गियर आपके पास लगे हुए हैं साथ ही साथ इसमें एक और चीज है कि आपके पास जो फर्स्ट वाला गियर है उसका एक्सिस और जो लास्ट वाला गियर है उसका एक्सिस सेम होता है साइड व्यू से आराम से पता चल गया हम लोगों ने थ्री व्यू से भी समझने की कोशिश किया फिजिकल कि कैसे होता है वो चीज ठीक है अब बात करते हैं चौथे टाइप के गियर ट्रेन की जो कि क्या है बेटा आपका इपी गियर ट्रेन है देखते हैं इपी गियर ट्रेन ये चौथे टाइप का है और मस्त है ना समझिएगा बात को बनाने की कोशिश करते हैं इसमें मान लो कि बात एक ड्राइवर है एक ड्राइवर गियर है ये वाला ड्राइवर गियर है बेटा जिसको मैंने बोल दिया कि ये एस गियर है ठीक है इसके साथ एक और गियर कनेक्ट है, एक, एक और गियर कनेक्ट है इसको मैंने बोल दिया पी पी गियर ठीक है इसको मैंने बोल दिया पी गियर अब तो ये समझिएगा ना एस और पी आपस में कनेक्ट है गियर है तो ये तो एक सिंपल गियर टाइप का दिख रहा है सिंपल गियर ट्रेन टाइप का समझिएगा जिसमें मात्र दो गियर हैं लेकिन मजे की बात समझिएगा इसके एक्सिस और इसके एक्सिस से मैं एक आम को जोड़ देता हूं आम ठीक है बेटा आम को मैंने जोड़ दिया समझिएगा और ये बेटा जो आम है ना बेटा ये ना क्या करता है कि इसको रोटेट करा सकता है समझिएगा पी जो गियर है ना इसको रोटेट करा सकता है एस वाले गियर पे ये ऐसा रोटेट करा सकता है इसको आम के कारण इसको रोटेट करा सकता है ऐसे गियर ट्रेन को अपन बोलते हैं इपी साइकिली गियर ट्रेन मजे की बात है समझिएगा बड़ा मजेदार है मैं इसको एक काम करता हूं इसको थ्री में बनाने की कोशिश करता हूं चलो बेटा इस गियर ट्रेन को ना मैं अब थ्री में बनाने की कोशिश करता हूं थोड़ा समझिएगा मान लो कि बात ये एस वाला गियर है ये एस वाला गियर है और ये वाला है पी वाला गियर P वाला गया यह पी वाला गया है इसकी मैं एक्सिस की बात करूं तो ये वाला होगा बेटा एक्सिस इसके एक्सिस की मैं बात करूं तो ये वाला होगा इसका एक्सिस ठीक है ये सिंपल गेयर टाइप का अभी तक तो दिख रहा है यहां मैं बात करूं ये एस है ये पी है सिंपल गेयर ट्रेन टाइप का मुझे दिख रहा है लेकिन जैसे ही मैं समझिएगा इस वाले साप में और इस वाले साप में मैं एक आम फिट करता हूं इस टाइप का देखिएगा ना ये रहा आम जैसे ही मैं इसको फिट करता हूं तो समझने की कोशिश करना बेटा मान लो की बात मान लो की बात ये वाले जो साफ्ट है ना इसके अबाउट इसको मैं इस पे रोटेट कराऊं रोटेट कराऊं तो क्या ये पी जो गियर है इसके एस पर रोटेट नहीं कर सकता उसके ऊपर पे समझिएगा समझिएगा मान लो कि बात ये आपके पास गियर है ये वाला गियर है ये पी है और ये क्या है एस है एस है अब यहां से ये वाले ये पी है ये एस है अब ये वाले इसके जो ये वाले जो एक्सिस है ना इसके एक्सिस से एक मैं ना आम फिट करता हूं इस पे तो भाई आप खुद सोचिएगा ये वाला जो गियर है ना जो एस गियर है उसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है इसी को मैं बोलता हूं इपी साइकिल गियर ट्रेन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा इपी साइकिल गियर ट्रेन मैं मान लो कि बात बात करूं ये पी की तो भाई ये जो आम है ना इसको मैं यदि रोटेट कराऊंगा तो जाहिर से बात है ये वाला जो गियर है ये भी इसके चारों ओर रोटेट करेगा ठीक है सिंपल है

पी साइक्लिक गियर ट्रेन चलिए इस एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं इस पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं चलिए भाई मैं मानता हूं कि भाई आपके पास जो एस गियर है ना इस पे नंबर ऑफ टी थे टी एस पी गियर पे मैं बात करूं तो भाई नंबर ऑफ टी थे टीपी साथ ही साथ मैंने मांगा माना कि भाई एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात करूं तो ये पर ओमेगा एस है और यहां पर एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात करूं तो ओमेगा पी है क्लियर है यहां तक मॉड्यूल तो दोनों में सेम होंगे और वो होगा एम मैंने ये भी मान लिया ठीक है भाई अब समझिएगा बात बात को की बात, एक सिंपल गियर ट्रेन है समझिएगा ये मेसिंग uh, गियर्स है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है ये ओमेगा वन से रोटेट कर रहा है और ये ओमेगा टू से रोटेट कर रहा है ये टी वन है और ये टी टू है मैं सिंपली बात करूं ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन होगा ये आप सबको पता है अब और 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 बात सुनिएगा अब इस इक्वेशन में मैं यदि ओमेगा वन इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा तो जाहिर से बात है बेटा ओमेगा टू इज इक्वल टू जीरोगा वन इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा तो ओमेगा टू इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा लेकिन यहां पर देखिएगा यहां पर देखिएगा समझिएगा ये जो आम है ना बेटा इसको रोटेट करा रहा है, है। समझिएगा मैं इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट की बात करूं या फिर इपीसाइकली गियर ट्रेन की बात करूं यदि मैं ओमेगा एस इज इक्वल टू जीरो कर ओमेगा एस इज इक्वल टू जीरो कर दू फिर भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो गियर पी है ना बेटा ये रोटेट करेगा इसके ऊपर रोटेट करेगा खुद के एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगा क्लियर है एकदम क्लियर है ओमेगा एस इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपके पास जो ओमेगा पी है वो जीरो हो जाएगा ओमेगा पी डज नॉट इज इक्वल टू भी हो सकता है इज इक्वल टू भी हो सकता है ओमेगा पी की मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी पी की मैं बात करूं तो समझिएगा बात को क्यों भाई क्योंकि आम है ये आम है ना ये तो इसको रोटेट करा सकता है ना रोटेट करा सकता है तो ठीक है भाई समझते हैं इस बात को अब ना इसका एनालिसिस करना है मुझे किसका इपी गियर ट्रेन का मुझे एनालिसिस करना है एनालिसिस करना है कैसे करेंगे समझिएगा थोड़ा सा समझिएगा मान लो की बात आपके पास एक प्लेटफॉर्म है पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिख लीजिएगा एक प्लेटफॉर्म है एक बंदा इस पर दौड़ रहा है इसमें दौड़ रहा है मानना कि मैंने टेन मीटर पर सेकेंड से यह दौड़ रहा है एक दूसरा बंदा यहां पर खड़ा है और इसको देखेगा तो भाई वो बोलेगा कि ये जो ए है ना ए बंदा इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है भाई टेन मीटर पर सेकेंड है टेन मीटर पर सेकेंड है सिंपल से ये यही बोलने वाला है लड़का लेकिन इस लड़के को मैं बाहर बिठा देता हूं अब ठीक है साथ ही साथ मैंने ये कहा कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये भी ये भी टू मीटर पर सेकेंड से स्पीड से चल रहा है टू मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है अब इस बंदे को बोलोगे कि भाई ये बंदा की वेलोसिटी कितनी है तो ये बंदा बोलेगा कि बेटा तो ठीक है ये दस मीटर पर सेकेंड से तो खुद दौड़ रहा है लेकिन साथ ही साथ तेरा प्लेटफॉर्म भी तो दौड़ रहा है ना प्लेटफॉर्म भी तो भाई मोशन पे है तो जाहिर से बात है मैं इस बंदे की बात करूं तो इस बंदे का जो वेलोसिटी है वो कितना है अभी 12 मीटर पर सेकेंड मतलब 10 प्लस टू सही बात है ना 10 प्लस टू मतलब मैंने क्या किया कि भाई इसका जो खुद का वेलोसिटी था उसमें मैंने दो मीटर पर सेकेंड को और ऐड किया क्यों क्योंकि प्लेटफॉर्म भी मोशन पे है सही बात है सिमिलर similar, सिमिलरली देखना मान लो की बात एक बॉडी है सिमिलरली एक बॉडी है जो किसी एक्सिस के अबाउट मान लो ये एक्सिस है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है और वो रोटेशन कर रहा है कितना भाई मान लो कि दस रेडियन पर सेकंड से ठीक है यहां पर बैठ जाओगे इस बॉडी को देखोगे पता चलेगा टेन रेडियन, टेन रेडियन पर सेकंड से ये रोटेट कर रहा है यही बोलोगे सिंपल सी बात है अब समझिएगा यहां से मैं इसको देखना चाह रहा हूं ना और साथ ही साथ मैंने यह बोल दिया कि भाई इसका जो एक्सिस है ना यह ऑटोमेटिकली आपके पास टू रेडियन पर सेकेंड से रोटेट हो रहा है ठीक है टू रेडियन पर सेकेंड से रोटेट हो रहा है तो इस इंसान की मैं बात करूं तो यहां से देखेगा तो बोलेगा कि यह बॉडी यह बॉडी कितने रेडियन पर सेकेंड से रोटेट हो रहा है टेन प्लस टू रेडियन पर सेकेंड से रोटेट हो रहा है समझिएगा समझिएगा एकदम क्लियर रखिएगा अब ये समझ आ गया है तो थो, थोड़ा यहां आ जाते हैं इसके एनालिसिस पे के, के पे के के गियर ट्रेन एनालिसिस अपन आ जाते हैं सबसे पहले इसमें ये मानते हैं कि भाई मान लो की बात मान लो की बात ये आम नहीं रहता या फिर मैं बोलूं ये आम फिक्स रहता आम फिक्स रहता इसमें किसी भी प्रकार के मोशन नहीं करता तो समझिएगा क्या बनेगा यदि आम फिक्स रहता तो क्या बनता सबसे पहले मैंने माना कि भाई इफ तब क्या होगा समझिएगा सिंपल सा ना एक मेसिंग गेयर बन जाता ठीक है सिंपल सा एक मेसिंग गेयर बन जाता जिसमें ये S है और इसकी मैं बात करूं तो ये पी गेयर है मान लो कि बात इसमें टीपी है और इसमें मैं बात करूं गेयर टीएस ठीक है नंबर ऑफ टीथ टीएस नंबर ऑफ टीथ टीपी है चलिए बेटा एक सिंपल गेयर ट्रेन बन गया अब इस पे मैं एनालिसिस आराम से कर सकता हूं मैंने यहां पर माना है कि इफ आर्म इज फिक्स इसको मैं ए से डिनोट करता हूं ठीक है अब क्या होगा बेटा चलिए मैंने एक और चीज माना कि मान लो की बात मैं एस गेयर को एक्स रिवॉल्यूशन देता हूं एस गेयर को मैं क्या कर रहा हूं एक्स रिवॉल्यूशन दे रहा हूं यहां पर मैंने प्लस एक्स बोला प्लस एक्स बोला मतलब ध्यान दीजिएगा मैंने माना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे एक्स रिवॉल्यूशन कर रहा हूं क्लियर है बेटा चलिएगा समझिएगा तो भाई टी गियर पर इसका क्या इफेक्ट आएगा पी पे तो हमको पता है बेटा कि ओमेगा पी अपॉन ओमेगा एस टू क्या हो जाएगा टी एस टी पी। टी एस टी पी। और मैं बात करूं भाई ये दोनों एक्सटर्नल गेयर है ठीक है ये दोनों कैसे गेयर है एक्सटर्नल गेयर है तो जाहिर से बात है यहां पर माइनस साइन आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा क्यों आएगा क्योंकि भाई मैं बात करूं यदि ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ठीक है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वो यही बताता है माइनस क्लियर है तो ओमेगा P यहां से क्या मिल जाएगा मुझे माइनस टीएस टीपी ओमेगा एस ओमेगा एस और ओमेगा एस को मैंने अभी कहा था कि प्लस एक एक्स मैं में इसको दे दिया हूं तो उमेगा पीजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस टीएस अपॉन इंटू एक्स ये इतना रिवॉल्यूशन करेगा इतना रिवॉल्यूशन करेगा और इसकी मैं डायरेक्शन की बात करूं माइनस है मतलब क्या है बेटा ये एंटी क्लॉक है एंटी क्लॉक है सही बात है दिख भी रहा है एंटी क्लॉक यहां तक तो क्लियर है सबसे पहले मैंने क्या माना कि भाई मैंने आम को फिक्स कर दिया तो भाई मैंने देखा कि ये सिंपल गियर की तरह बिहेव कर रहा है और यहां पर मैंने देखा कि मैंने माना कि मान लो एस गियर को प्लस एक्स रिवॉल्यूशन दे रहा हूं और मैंने प्लस मैंने प्लस साइन को कहा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मैं ले रहा हूं मतलब माइनस आएगा तो क्या लूंगा एंटी क्लॉकवाइज ठीक है माइनस साइन आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे तब मैंने देखा कि भाई पी गियर पर इफेक्ट क्या हो रहा है तो मुझे एक चीज पता है कि ओमेगा पी अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू होता है माइनस टी एस अपॉन टीपी माइनस टी एस अपॉन टीपी तो यहां से क्या हो जाएगा ओमेगा पी इज इक्वल टू माइनस टी एस अपॉन टीपीगा एस और ओमेगा एस है बात समझिएगा आगे समझिएगा अब एक बंदा ना यहां पर खड़ा है एक बंदा यहां पर खड़ा है और मैंने कहा कि भाई ये आम को भी जोड़ दो ये जो आम है ना इसको भी जोड़ दो अब ये आम को जोड़ दो और मैंने कहा कि भाई ये जो आम है ना ये वाय रिवॉल्यूशन करता है वाई रिवॉल्यूशन करता है वायर रिवॉल्यूशन कर रहा है मैंने ये बोल दिया तो खुद सोचिएगा बेटा अब सोचिएगा ना ये बंदा देखेगा तो ये तो पहले कितना रिवॉल्व कर रहा था इतना कर रहा था माइनस टीएस प्लस टीपी इंटू एक्स अब यहां से ये देखेगा तो बेटा साथ ही साथ ये वाय भी रिवॉल्व कर रहा है कितना ये आम भी रिवॉल्व कर रहा है कितना वायर रिवॉल्यूशन से तो इसको क्या दिखेगा कि भाई एडिशनल वायर रिवॉल्यूशन इसमें एड करना पड़ेगा ध्यान दीजिएगा ये वाला यह ना यहां पर ये तो पहले 10 रेडियन पर सेकंड से देख रहा था लेकिन यहां से देखने पर यदि इसका एक्सिस ही आपके पास टू रेडियन पर सेकंड से रोटेट होने लग जाए तो इसको कितना लगेगा कि ये ट्वेल्व रेडियन पर सेकंड से रोटेट हो रहा है सिमिलरली समझिएगा पहले तो खुद से रोटेट हो रहा था इतने से लेकिन ये इसका आम के कारण भी और रोटेट होगा तो ऐड करना पड़ेगा ना बेटा ऐड करना पड़ेगा मान लो की बात समझिएगा यहां पर आम रोटेट कैसे कर रहा है वाई रिवॉल्यूशन से ठीक है तो मैं बात करूं एस गेयर पे कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा तो जाहिर से बात है बेटा मेरा पहले कितना था प्लस एक्स था तो एक्स प्लस वाई रिवॉल्यूशन ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई रिवॉल्यूशन हो जाएगा और मैं बात करूं पी गेयर की तो पी गेयर कितना हो जाएगा बेटा वाई प्लस माइनस एस अपॉन टीपी एक्स इतना रिवॉल्यूशन हो जाएगा इज़ इक्वल टू वाई माइनस टीएस अपॉन टीपीएक्स रिवॉल्यूशन ठीक है बेटा चलो बेटा अब देखते हैं अपन ना जब आपको ना यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एक तो होता है आपके पास टेबुलर मेथड ठीक है फर्स्ट वाला है। देखते हैं कैसे करते हैं जो काम यहां पर किया बेटे इसके एनालिसिस करने में वही काम अपन टेबलर फॉर्म में करेंगे टेबल के फॉर्म में इसके सबसे पहले आपने एक टेबल बना लेना यहां पर लिखना एक्शन ठीक है यहां पर लिखना रिवोल्यूशन ऑफ गियर एस और यहां पर लिखना रिवॉल्यूशन ऑफ गियर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था गए यहां पर आम को फिक्स किए थे आम फिक्स और साथ ही साथ क्या किए थे कि अपन जो एस गेयर है ना बेटा एस गेयर को प्लस एक्स रिवॉल्यूशन दिए थे यही काम किए थे ठीक है मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ गियर एस की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स इसमें नंबर ऑफ टीथ की मैं बात करूं तो है टी और इसमें मैं बात करूं तो है टीपी ठीक है प्लस एक्स रिवॉल्यूशन दिया था तो भाई आपके पास जो पी गियर है ना बेटा उस पर क्या इफेक्ट आया था तो मेरा मिला था यहां पर ध्यान दीजिएगा ओमेगा पी इज इक्वल ओमेगा एस ठीक है भाई ध्यान दीजिएगा माइनस टी इंटू ओमेगा इस कितना है प्लस एक्स रख दो यही काम किए थे सेकंड केस पे अपन लोगों ने क्या किया था सेकंड केस पे हम लोगों ने किया था कि भाई जो आम है ना इसको मैं वाई रिवॉल्यूशन दे देता हूं वाई रिवॉल्यूशन जिसके कारण मेरा इफेक्ट ये आया था कि जो गियर एस है ना वो एक्स प्लस वाई से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया साथ ही साथ मैं गियर पी की बात करूं तो भाई वो वाई टीएस अपॉन टीपीएक्स से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया था क्लियर है ये टेबल कंप्लीट ये टेबल कंप्लीट अब एकदम सिंपल समझिएगा अब आपको ना क्या करेगा या तो वाई की वैल्यू दे दिया जाएगा और किसी एक का वैल्यू दे दिया जाएगा वहां से आपको सब चीज निकाल सकते हो ठीक है दो वैल्यू आपको दे दिया जाएगा बाकी सब आपको निकालना रहेगा क्लियर है जैसे मैं बात करूं टी गियर का ना बेटा आपको दे दिया जाएगा क्या कि भाई वो कितने से रोटेट कर रहा है वो ये वाला वैल्यू दे देगा साथ ही साथ वो दे, दे देगा कि भाई आपके पास वाई की वैल्यू कितनी है तो आप यहां से और वाई की वैल्यू से आराम से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो एकदम आराम से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो साथ ही साथ बेटा आप ना एस की भी ये वाला जो एंगुलर वैल्यू सिटी निकलने वाला है ना बेटा ये भी आप निकाल सकते हो क्लियर है ठीक है ध्यान दीजिएगा ना ये वाले मैं वैल्यू की बात करूं ये वाले वैल्यू की मैं बात करूं तो ये वाला वैल्यू वो है जो ये बंदा यहां से देख रहा है बाहर से देख रहा है ठीक है इस वैल्यू की मैं बात करूं यहां से देखेगा तब वो वाला मेरा एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा लेकिन लेकिन मैं बात करूं मान लो की बात जो पी गियर है ना बेटा ये खुद के एक्सिस पे कैसे रोटेट कर रहा है कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो सिंपल सा देखिएगा समझिएगा यहां पर आ जाइए ना ये वाले बंदा देख रहा है इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है 10 प्लस 2 रेडियन पर है मैं चाहता हूं कि ये खुद के एक्सिस पे कितना रोटेशन कर रहा है ये मैं देखना चाहता हूं कितना एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ये मैं देखना चाहता हूं तो मैं करूंगा क्या जो भी ये बारह रेडियन पर सेकेंड आया है ना बेटा बारह रेडियन पर सेकेंड आया है तो बारह माइनस कर दूंगा जो इसका जो एक्सिस ही रोटेट कर रहा है टू रेडियन पर सेकेंड उसको सब्सट्रेक्ट कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा टेन रेडियन पर सेकेंड से कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है वो मैं निकालना चाहूंगा तो जाहिर से बात है जो उसका एक्सिस है जितना रेडियन पर सेकेंड से, से रोटेट हो रहा है उसको मैं कर दूंगा ठीक है सबस्ट्रेक्ट कर दूंगा भाई वैसी सेम 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 सिचुएशन यहां पर भी है मैं इस पर क्या करूंगा मान लो कि बात ओन एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मैं मैं करूंगा क्या वाई माइनस टीएस अपॉन टीपीएक्स माइनस वाई कर दूंगा मुझे मिल जाएगा क्या माइनस टीएस अपॉन टीपीएक्स इस वैल्यू की मैं बात करूं तो ये वैल्यू क्या है बेटा ये जो पी गियर है ना बेटा इसके खुद का एक एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट कर रहा है सेकेंड मेथड होता है बेटा आपके पास रिलेटिव मेथड रिलेटिव मेथड। इसके लिए सबसे पहले अपन काम करते हैं जो एस गियर है ना उसकी एंगुलर वेलोसिटी की बातें करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एस ये कैसे आ सकता है समझिएगा एस की मैं बात करता हूं गियर एस की तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कैसे आएगा समझिएगा एक तो मैं बैठ जाता हूं किस पे आम पे बैठ जाता हूं और एस गियर को देखता हूं तो इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी मुझे मिलेगा सही बात है एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा अब ये आम खुद पे घूम रहा है तो उसको मुझे तो ऐड करना पड़ेगा ना टोटल इसका निकालने के लिए एंगुलर वेलोसिटी के तो एक एंगुलर वेलोसिटी आपका आएगा एस का विथ रेस्पेक्ट टू ए और सेकेंड आएगा आपके पास इसको ऐड भी तो करना पड़ेगा ना आम का जो एंगुलर वेलोसिटी उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा तब जाके मेरा टोटल एंगुलर वेलोसिटी एस का कितना है वो मुझे फाइंड आउट होगा वो मेरा निकल जाएगा मैं बात करूं इसको मैं मैथमेटिकली लिखता हूं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एस इज इक्वल टू एक तो रहेगा ओमेगा एस ए मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस इसमें मुझे आम का जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको भी ऐड करना पड़ेगा ओमेगा ए क्लियर है बेटा ठीक है ये रहा आपके पास ओमेगा एस मतलब ओमेगा एस इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा ओमेगा एस ए प्लस ओमेगा ए अब एक और बात ओमेगा इज इक्वल टू तो क्या होता है बेटा टू पाई एन अपॉन 60 ओमेगा एस टू पाई एन एस अपॉन 60 इज इक्वल टू टू पाई एन एस ए अपॉन सिक्सटी प्लस टू पाई एन ए अपॉन सिक्सटी पूरे निपट जाएंगे बचेगा क्या एन एस इज इक्वल टू एन एस ए प्लस एन ए एक इक्वेशन मुझे ये मिला है एक इक्वेशन मुझे ये मिला है सिमिलरलीमिलर सिमिलरली समझिएगा आपके पास पी गेयर की मैं बात करता हूं तो पी गेयर का जब मैं एंगुलर वेलोसिटी पर कॉन्सेंट्रेट करता हूं चेक करना चाहता हूं वो क्या है तो सबसे पहले ये देखता हूं कि भाई ये जो आम है ना इसके रेस्पेक्ट में कितना रोटेट कर रहा है इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना है तो मैंने ये माना है कि मान लो कि बात P gear की बात पी की तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ए है वो है ओमेगा पी ए एक तो ये वाला एंगुलर वेलोसिटी आएगा साथ ही साथ समझिएगा अब ये तो आम भी घूम रहा है तो उसको मुझे एड करना पड़ेगा ना पी गेयर के एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं तो एक आएगा इसका एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस आम प्लस ये आम भी तो रोटेट कर रहा है बेटा उसको तो ऐड करना पड़ेगा सही बात है देखिएगा मैं बात कर रहा हूं यहां पर गेयर पी की इसके एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो ओमेगा पी इज इक्वल टू आएगा एक तो आएगा ओमेगा पी विथ रेस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी टू ए प्लस ओमेगा ए फिर वही बात ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं टू पाई एन अपॉन सिक्सटी तो ये हो जाएगा एन पी बाकी सब कर जाएंगे इज इक्वल टू एन पी ए प्लस एन ए सही बात है यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा ध्यान दीजिएगा एनपीए इज इक्वल टू हो जाएगा एन पी ठीक है इसको इक्वेशन नंबर टू बोलिएगा और और ध्यान दीजिएगा ये एन एस इक्वल टू एन एस ए प्लस एन ए मिला है यहां से मैं लिख सकता हूं ये पर लिखिए मैं लिख लेता हूँ एन एस ए इज इक्वल टू एन एस माइनस एन ए ये इक्वेशन नंबर वन है अब ध्यान दीजिएगा मान लो की बात वन डिवाइडेड बाई टू करता हूं तो मुझे मिलेगा क्या एन एस ए अपॉन एन पी ए इज इक्वल टू एन एस माइनस एन ए अपॉन एन पी माइनस एन ए यही मुझे मिलने वाला है अब समझिएगा जे वाले रेशियो की मैं बात करता हूं ये वाले रेशियो की मैं बात करता हूं NSA अपॉन एन इस वाले रेशियो की मैं बात करता हूं तो मैं काम क्या कर रहा हूं समझिएगा ये मान लो कि मेरा एस है और ये पी है ये जो आम है ना ये आम है ठीक है मैं बात कर दिया कि भाई इसका जो नंबर ऑफ टीथ है टी है इसकी मैं बात करता हूं तो ये टीपी है नंबर ऑफ टीथ टीपी है ठीक है बेटा ये एनएसए बता क्या रहा है समझिएगा आपके पास जो एस गेयर का जो एंगुलर वेलोसिटी है विथ टू कितना है मतलब मैं ए पर बैठ गया हूं और देख रहा हूं कि एस का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना है सिमिलरली एनपीए की बात करता हूं तो भाई आपके पास जो पी का जो एंगुलर वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है वो मैं बताना चाह रहा हूं एनपीए से मतलब मैं यहां आम पर फिर से बैठ गया हूं और पी को देखना चाह रहा हूं कि भाई तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी कितना है? यही मतलब है इसका मतलब ये भी हुआ कि बेटा समझिएगा ये जो आम है ना इसको मैंने फिक्स मान लिया है तो इसका मतलब नहीं हो जाएगा यहां पर एनपीए की बात करूं या फिर एनएसए की बात करूं तो यहां से फिर ये फिर सिंपल गेट बन गया यदि ये ओमेगा वन है या फिर एनएस है और ये एनपी है तो एनएस अपॉन एनपी निकाल सकता हूं या एनपी अपॉन एनएस निकाल सकता हूं सिंपल के रेट बन गया ना मान लो कि बात इसको मैं बोला था ओमेगा टू है और इसकी मैं बात किया था ओमेगा तो वन है तो यहां से मैंने निकाल दिया था ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन ठीक है टी टू अपॉन टी वन या फिर टीपी अपॉन टी एस सिंपल सी बात और बेटा ध्यान दीजिएगा यही ओमेगा वन क्या है अभी 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 ओमेगा एस ए और ओमेगा टू की मैं बात करूं तो ओमेगा टी ए और अच्छे वर्ड में बात करूं एन पी ए एन एस ए मतलब बेटा ये तुम्हारा हो गया एन एस ए अपॉन एन पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टीपी अपॉन टी एस ठीक है टीपी अपॉन टी एस और एक और बात मान लो कि बात ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घूमेगा मतलब डिगेटिव मुझे लगाना पड़ेगा क्यों भाई क्यों? क्योंकि मैं यदि एनपीए निकालू तो भाई ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा इसलिए मैं निगेटिव लगाऊंगा क्लियर है बेटा यहां से मुझे मिल गया क्या NS अपॉन एनपीए इज इक्वल टू माइनस टीपी अपॉन टीएस आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं ये एन एस अपॉन एनपीए को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस टीपी अपॉन टीएस माइनस टीपी अपॉन टीएस इज इक्वल टू NS माइनस एन ए अपॉन एन पी माइनस एन ए ठीक है बेटा यहां से मुझे मिल जाएगा TP टीपी अपॉन टी एस इज इक्वल टू माइनस एन एस माइनस एन ए अपॉन एन पी माइनस एन ए क्लियर है बेटा ये मेरा रिलेटिव मेथड है ये मेरा क्या है रिलेटिव मेथड है ये मेरा रिलेटिव मैथड है टीपी आपको दिया रहता है टीएस भी आपको दिया रहता है एन एस एन पी एन तीन वैल्यू है बेटा इसमें से दो आपको दिया रहेगा एक वैल्यू निकालना है एक वैल्यू आपको निकालना है यही काम करना पड़ेगा ठीक है बेटा तो ये रिलेटिव मेथड आप सबको समझ आया होगा समझिएगा एक बार और रिपीट मैं कर देता हूं जब मैंने देखा कि भाई मान लो कि बात इपी साइक्लिक गेयर ट्रेन की मैं बात करूं तो भाई इसमें मैंने देखा जो एस गेयर की बात करता हूं तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है मैं ये जानना चाहता हूं एक अप्रोच लगाना चाहता हूं कि भाई एस का जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो कितना है कॉन्सेंट्रेट किया किसको एस को मैंने कॉन्सेंट्रेट किया और एस को कॉन्सेंट्रेट करने पर मुझे पता चला कि भाई इसमें दो टाइप के एंगुलर वेलोसिटी है दो टाइप के एक तो बेटा मैं बात करूं इस आम जो है इसके रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है और खुद कितना घूम रहा है नहीं सॉरी और ये जो आम है वो कितना घूम रहा है क्योंकि उसको ऐड करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा मैं बात करता हूं एस का इस आम के रेस्पेक्ट में कितना एंगुलर वेलोसिटी है प्लस इसका जो आम है वो कितना रोटेट हो रहा है तभी तो, तो टोटल निकलेगा ना बेटा किसका एस गियर का एंगुलर वेलोसिटी वही काम मैंने किया है कहां पर किया है वहां पर किया ओमेगा क्या कर दिया मैंने गियर का एंगुलर वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ये मैंने रखा प्लस उसमें मैंने एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आम को मैंने ऐड कर दिया टोटल निकल गया सेम काम मैंने किसके लिए किया सेम काम मैंने गियर पी के लिए किया दोनों को मैं डिवाइड कर दिया डिवाइड कर दिया अब एन बताता क्या है बेटा गियर एस का एंगुलर वेलोसिटी टू ए ए मतलब A की बात कर रहे हैं तो मैंने ए पर बैठ गया वहां पर बैठ गया एस और पी को देखना स्टार्ट कर दिया सही बात है मतलब ये मैं बात करूं तो भाई यहां पर जो आम है ना वो एक फिक्स की तरह काम कर रहा है फिक्स की तरह तो मैंने ठीक है भाई मैंने बोल दिया कि फिक्स की तरह काम कर रहा है तो मैंने इस पर एनालिसिस करना स्टार्ट किया तो मुझे एक चीज पता चला कि भाई जो आपके पास एनएसए अपॉन एनपीए है वो असल में है माइनस टीपी अपॉन टी एस माइनस टीपी अपॉन टीएस वैल्यू मैंने यहां रख दिया ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया इस फॉर्मूले पे आपको ये दिया रहेगा ये दिया रहेगा इन तीनों वैल्यू में से दो वैल्यू दिया रहेगा एक वैल्यू पूछेगा आपको क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है बेटा क्वेश्चन बन जाएगा फिर एक काम करते हैं चलो न्यूमेरिकल करते हैं अच्छे से चलो बेटा मैंने ये क्वेश्चन लिया है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं समझते हैं बोला क्या गया है आम आप गियर ट्रेन rotates एट हंड्रेड आरपीएम जो आम है वो हंड्रेड आरपीएम से रोटेट कर रहा है एंटीक्लॉक वाइज डायरेक्शन पे यहां तक क्लियर व्हील की मैं बात करूं तो एक व्हील पे ए की बात करूं तो थर्टी सिक्स टीथ है और बी की बात करता हूं तो फोर्टी फाइव टीथ है The wheel A is fixed.

फिक्स था लेकिन सेकेंड केस में आपके पास वो जो है टू हंड्रेड आरपीएम क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तब आपका निकालना है क्या स्पीड ऑफ बी क्लियर है क्वेश्चन चलो भाई तो सबसे वो अपन लिख लेते हैं एन है? ए की बात करूं तो एन ए कितना दिया है हंड्रेड आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी clockwise डायरेक्शन ठीक है बेटा और क्या गिवन है TA गिवन है कैपिटल टी ए इज इक्वल टू थर्टी सिक्स टीथ कैपिटल टी बी इज इक्वल टू फोर्टी फाइव टीथ और क्या गिवन है द व्हील ए इज फिक्स्ड मतलब कैपिटल एन कैपिटल ए की बात करूं इज इक्वल टू जीरो फाइंड आउट करना है ये फर्स्ट केस में है ना सेकंड केस में मैं बात करता हूं तो केस टू में क्या था भाई आपके पास जो एन ए है वो इज इक्वल टू कितना है टू हंड्रेड आरपीएम टू हंड्रेड आरपीएम क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ठीक है क्लॉकवाइज चलिए भाई आगे बात करते हैं इसके लिए मैं एक ना फिगर बना लेता हूं ये है आपके पास गियर ए बी ये गियर ए है और ये गियर बी है ये आम है ठीक है ये है। सबसे पहले काम ये करना है बेटा आपको बना करना है गिवन डाटा लिखना है एक फिगर बना लेना है अब उसके बाद आपको बनाना है एक टेबल एक टेबल बनाना है चलिए मैं एक टेबल बना लेता हूं ये एक्शन रहेगा ठीक है रिवोल्यूशन ऑफ आम रिवॉल्यूशन ऑफ गियर ए और रिवोल्यूशन ऑफ गियर बी इसमें मैं टीथ की बात करूं ए पर ए पर कितना है थर्टी सिक्स बी पर बात करूं 45 45 फोर्टी फाइव ठीक है लिख लेता हूं कैपिटल टी ए इज इक्वल टू दिस कैपिटल टी बी इज इक्वल टू फोर्टी फाइव ठीक है बेटा अब इसके बाद सबसे पहले आपको एक्शन करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा आर्म फिक्स्ड आर्म फिक्स्ड एंड एंड गियर ए गियर ए रोटेट्स प्लस एक्स रिवॉल्यूशन ठीक है प्लस एक्स रिवॉल्यूशन आर्म फिक्स्ड है मतलब इसके मैं रिवॉल्यूशन की बात करूं तो ये तो जीरो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है जीरो हो जाएगा और ये तो मैंने माना ही है रिवॉल्यूशन अब गियर ए प्लस एक्स प्लस एक्स ठीक है प्लस एक्स अब रिवॉल्यूशन अब गियर बी की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा माइनस 36 डिवाइडेड बाय 45 एक्स सिंपल सा या फिर मैं बात करूं और अच्छे से लिख लेता हूं माइनस टीए भाई बाई टी बी टू इसकी माइनस थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई फोर्टी फाइव एक्स सही बात है अब आगे बात करते हैं अब आम को रोटेट करवाते हैं से y एवोल्यूशन से तो मैं रिवॉल्यूशन आप आम की बात करूं तो ये y हो जाएगा सही बात है बेटा ये y हो जाएगा और बाकी सब में ना y ऐड हो जाएगा सिंपल सा y ऐड हो जाएगा मतलब मैं यहां पर बात करूं तो ये x plus y हो जाएगा और यहां पर मैं बात करूं तो y ऐड होगा तो y minus 36 45x आने वाला है क्लियर बात है यहां तक तो क्लियर है ये मैं टेबल बना लूंगा ऐसा अब देखता हूं कि भाई मुझे गिवन क्या है एक तो मुझे गिवन है एन एज इक्वल टू जीरो मतलब गेयर ए की बात हो रही है गेयर ए की बात हो रही है तो इसके इज इस इक्वल टू जीरो मतलब वैल्यू की मैं बात करूं तो ये इज इक्वल टू है है ठीक इज इक्वल टू जीरो, है. टू जीरो है. क्या है आपको? आपके जो आम का जो आरपीएम है ना वो हंड्रेड आरपीएम है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैं यहां पर एक चीज मान ले रहा हूं कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना उसको मैंने प्लस ले लिया है ठीक है मतलब माइनस आएगा तो क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन सिंपल सी बात है चलिए करते हैं काम मुझे गिवन क्या है एन ए इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो यहां से मुझे मिल गया एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ठीक है माइनस वाई और एक और बात आपको गिवन है एन ए कैपिटल एन ए इज इक्वल टू वाई की बात करूं तो ये हंड्रेड आरपीएम है हंड्रेड rpm है y की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस हंड्रेड आरपीएम या फिर और अच्छे से बात करूं तो x इज इक्वल टू हंड्रेड आरपीएम अपोजिट टू अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ आर्म आर्म्स रोटेशन आर्म्स रोटेशन ठीक है बेटा अपोजिट टू डायरेक्शन आप आर्म्स रोटेशन उसके जस्ट उल्टा होगा यहां पर मैं बात करूं तो आर्म्स का रोटेशन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है तो यहां पर मैं x की बात करता हूं x मतलब रिवॉल्यूशन आप गियर a की बात कर रहा हूं ना तो वो कैसा हो जाएगा ये अभी क्या है क्लॉकवाइज में डायरेक्शन आगे बात करते हैं आपको पूछा क्या गया है आपको पूछा क्या गया है फर्स्ट केस में आपको पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ विल तो विल बी की मैं बात करूं तो बी का जो स्पीड होगा वो ये वाला होने वाला है वाई माइनस थर्टी सिक्स अपॉन फोर्टी फाइव एक्स एन कैपिटल बी की बात करता हूं वो इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस थर्टी सिक्स अपॉन फोर्टी फाइव x सिंपल सी बात है y और x की वैल्यू रख दो y कितना है बेटा 100 माइनस 36 सिक्स अपॉन फोर्टी x कितना है माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू हंड्रेड कॉमन वन माइनस फोर बाई फाइव यहां से मुझे मिल जाएगा हंड्रेड इंटू वन बाई फाइव सॉरी ये प्लस होगा ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नाइन बाई फाइव वन एट्टी आरपीएम, प्लस आया है मतलब क्या हो जाएगा बेटा ये वन एट्टी आरपीएम प्लस आया है मतलब एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ठीक है बेटा तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं थैंक यू